अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल रंग के बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर लें और ताजी ताजी अपडेट्स पाने के लिए घंटे को जरूर दबाएं और लुफ्त उठाएं ऐसी ही दिलचस्प वीडियोस का। दोस्तों हम आपको बता दें, इन दिनों केजरीवाल एक ही रट लगाए हुए हैं कि बीजेपी मुझे मरवा देगी, मुझे मेरी सुरक्षा कर्मी ही कभी भी 2 मिनट में मार देंगे, मुझे खत्म कर दिया जाएगा। दोस्तों इससे पहले भी केजरीवाल अपने ऊपर हमले, खुद की जान खतरे में जैसी बातें करते आए हैं और तब तो मनीष सिसोदिया भी कह रहे हैं कि केजरीवाल को भाजपा मरवा देगी। दोस्तों ये जो कुछ भी हो रहा है इसमें सबसे बड़ा सवाल तो ये उठ जाता है कि केजरीवाल की मरने से आखिर फायदा किसका होगा। भाजपा केजरीवाल को मरवाएगी तो भाजपा का तो फायदा ही नहीं होगा, क्योंकि लोगों की सहानुभूति तो आम आदमी पार्टी को मिलेगी। भाजपा पर आरोप साबित हो गया तो भाजपा के ही नेता और कार्यकर्ता फंसेंगे भी। अगर केजरीवाल मरते हैं तो इससे भाजपा का कोई फायदा नहीं है, ना ही राजनीतिक फायदा और ना ही केजरीवाल से किसी भी निजी दुश्मनी ही है, उल्टा भाजपा को राजनीतिक नुकसान तो होगा। दोस्तों हम आपको बता दें कि केजरीवाल के पास दिल्ली में काफी सारे विधायक हैं, अगर केजरीवाल मर जाते हैं तो फिर एक कुर्सी तो खाली हो जाएगी और वो मुख्यमंत्री की कुर्सी होगी, और उसके बाद पार्टी में दूसरे नंबर का नेता अगर कोई है तो वो सब जानते ही हैं कि मनीष सिसोदिया है। अगर केजरीवाल नहीं रहते तो ऐसे में आम आदमी पार्टी का मुखिया और दिल्ली का मुख्यमंत्री भी मनीष सिसोदिया ही बनेंगे। ऐसे में अगर देखा जाए कि केजरीवाल के मरने के किसका फायदा होगा तो वो भारतीय जनता पार्टी को नहीं बल्कि मनीष सिसोदिया को होगा। वही सिसोदिया तो लॉटरी ही लग जाएगी, एक साथ 2 पद मिल जाएंगे, एएपी के मुखिया भी बन जाएंगे और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर भी। दोस्तों सिसोदिया और केजरीवाल जिस स्तर की राजनीतिक नौटंकी कर रहे हैं वो देखने लायक है। असल बात यह कि केजरीवाल के पास कोई भी मुद्दे नहीं है, अगर इन्होंने कुछ काम किया होता तो काम के नाम पर वोट मांगते, पर काम कुछ नहीं किया इसी कारण इस स्तर की राजनीतिक नौटंकी सुबह से शाम तक कर रहे हैं। पर इस देश की जनता भी उतनी मूर्ख नहीं है जितना ये नेता समझते हैं, जनता भी सब समझ रही है। दोस्तों और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे। धन्यवाद।